परिचय। आज हम भौतिक राशि के मात्रकों और मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या आपको पता है तापमान को किस मात्रक में मापा जाता है? हाँ सर, तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है। बहुत अच्छे, लेकिन तापमान का मानक मात्रक केल्विन है। लेकिन सर, हमें प्रत्येक राशि के लिए मानक मात्रक की जरूरत क्यों होती है? किसी राशि को अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक रूप से मापने के लिए हम एक मानक मात्रक का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम मात्रकों और मापन एवं संबंधित शीर्षकों का अध्ययन करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। मात्रकों और मापनों को परिभाषित करना, लंबाई के मापन को समझना, द्रव्यमान मापना, समय मापना, त्रुटियों का विश्लेषण करना, महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझना, विमीय सूत्रों और समीकरणों को लिखना और वित्तीय विश्लेषण को समझना। मात्रक और मापन। भौतिकी के अध्ययन में मापन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भौतिक राशि के मापन में निम्न की जरूरत होती है। एक मानक उस रूप में जिसमें राशि को मापा जाना है। आंकिक मान जो ये प्रदर्शित करे कि भौतिक राशि में मानक कितनी बार आता है। मात्रकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वे इस प्रकार हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। एक या अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से चार प्रणालियां हैं। MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड, SI यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। सभी भौतिक राशियों के मात्रक मात्रक की SI प्रणाली में प्राप्त किए जाते हैं। लंबाई का मापन। जैसा कि आप जानते हैं, मीटर पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज आदि लंबाई के मापन हेतु हैं। हम निम्न के लिए कुछ अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करते हैं। लंबी दूरियों को मापना और बहुत छोटी दूरियों को मापना। बहुत अधिक दूरी मापने के लिए लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। एक लड़की दो अलग अलग बिंदुओं P और Q से एक दीवार पर छड़ को देख रही है। वो ध्यान देती है कि छड़ की स्थिति दीवार के सापेक्ष बदलती हुई प्रतीत होती है। इसे लंबन कहा जाता है। पी और क्यू के मध्य की दूरी आधारक कहलाती है। बहुत छोटी दूरियों को मापने के लिए टनलिंग माइक्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विभेदन क्षमता बहुत उच्च होती है। उदाहरण के लिए, एक अणु के आकार की गणना। द्रव्यमान का मापन। किसी पिंड के द्रव्यमान को पिंड में मौजूद द्रव्य की मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। द्रव्यमान से संबंधित दो महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं। ये राशियां हैं जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान पिंड के जड़त्व की माप द्वारा निर्धारित किया जाता है। पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, पिंड में दिया गया त्वरण उत्पन्न करने के लिए उतने ही अधिक बल की आवश्यकता होती है। F = ma, m =
एफ बटा ए। किसी पिंड के जड़त्वीय द्रव्यमान को मापने के लिए हम जड़त्वीय तुला को उपयोग में लाते हैं। गुरुत्वीय द्रव्यमान, यह पिंड का वह द्रव्यमान है जो पृथ्वी के कारण इस पर कार्यरत गुरुत्वीय खिंचाव को निर्धारित करता है। पिंड के गुरुत्वीय द्रव्यमान को मापने के लिए हम सामान्य तुला का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान की ज्ञात द्रव्यमानों से तुलना करके ज्ञात करते हैं। परमाणुओं और अणुओं के संदर्भ में द्रव्यमान का मानक मात्रक एकीकृत परमाणविक द्रव्यमान मात्रक यू है। एक एकीकृत परमाणविक द्रव्यमान मात्रक बराबर एक यू बराबर कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 जिसमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान शामिल है बराबर 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। समय का मापन, ऐसी घटना जिसकी पुनरावृत्ति होती है समय की माप के रूप में प्रयोग की जा सकती है। मापन पुनरावृत्तियों की गिनती पर आधारित होता है। मात्रकों की सभी प्रणालियों में समय का मात्रक सेकंड है। समय अंतराल को मापने के लिए कुछ तकनीकें इस प्रकार हैं। विद्युतीय दोलित्र, ये प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति या 50 हर्ट्ज आवृत्ति का उपयोग करते हैं। एक समय पैमाना प्राप्त करने के लिए इस प्रत्यावर्ती धारा पर संचालित समकालिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय दोलित्र, एक अर्धचालक उपकरण द्वारा बहुत उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय दोलन उत्पन्न किए जाते हैं। ऐसे दोलनों की लघु समयावधि का उपयोग लघु समय अंतरालों को मापने के लिए किया जा सकता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ियां, क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी प्याजो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। उत्पन्न दोलनों का उपयोग समय अंतरालों को मापने के लिए किया जा सकता है। परमाणविक घड़ियां, इन घड़ियों को परमाणुओं के भीतर आवर्ती कंपनों को मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। रेडियोएक्टिव तिथि, समय बीतने के साथ साथ जिन रेडियोएक्टिव परमाणुओं का क्षय हो चुका है उनसे मौजूद परमाणुओं की संख्या के अनुपात को नोट करके लंबे समय अंतरालों को मापने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। त्रुटि, किसी माप उपकरण द्वारा प्रत्येक मापन के परिणाम में कुछ अनिश्चितता होती है। मापन की त्रुटि को अनिश्चितता के एक प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक मापन की शुद्धता वो माप होती है जो ये बताती है कि मापा गया मान राशि के वास्तविक मान के कितना निकट है। परिशुद्धता हमें ये बताती है कि राशि को कितनी विभेदन क्षमता या सीमा तक मापा जाता है। त्रुटियों के तीन प्रकार हैं। निरपेक्ष त्रुटि, ये इसके मापे गए मान और वास्तविक मान के मध्य का अंतर है। सापेक्षिक त्रुटि, इसे इसके मापन की निरपेक्ष त्रुटि और इसके वास्तविक मान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रतिशत त्रुटि, ये 100 के साथ इसकी सापेक्षिक त्रुटि का गुणनफल है। उदाहरण, आइए त्रुटियों का एक उदाहरण लें। एक संधारित्र की धारिता सी बराबर 2.0 ± −0.1 μF, जैसे वी बराबर 20 ± −0.2 वोल्ट की वोल्टता तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर कितना आवेश क्यू होगा? उपयोग करें क्यू बराबर सीवी। आइए हल देखें। क्यू बराबर सीवी, गणना करने पर हमें प्राप्त होता है क्यू बराबर 40 × 10⁻⁶ कूलॉम। सी में त्रुटि बराबर 2 में 0.1 भाग
बराबर 5%, वी में त्रुटि बराबर 20 में 0.2 भाग बराबर 1%, क्यू में त्रुटि बराबर 5% प्लस 1% बराबर 6%। इसलिए आवेश क्यू बराबर 40 प्लस या माइनस 2.4 गुणे 10^-6 कूलॉम। सार्थक अंक, मापन में सार्थक अंक को उस मापन में ज्ञात मात्रकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी मापन में सार्थक अंकों की संख्या इसकी शुद्धता के स्तर को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ है मापन में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है उस मापन की शुद्धता उतनी ही अधिक होती है। आइए एक उदाहरण लें। 1000 सबसे परिशुद्ध है क्योंकि इसमें 4 सार्थक अंक हैं। सन्निकटन करना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अंकों की संख्या को जरूरत के अनुसार घटाया जा सकता है। आइए एक उदाहरण लें। L बराबर 2.6587 सेंटीमीटर। सन्निकटन करने पर L बराबर 2.659 सेंटीमीटर। उदाहरण, आइए सार्थक अंक का एक उदाहरण लें। 1 घन की भुजाओं को 6.052 मीटर मापा जाता है। इस घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उपयुक्त सार्थक अंकों तक ज्ञात करें। आइए हल देखें। आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। गणना करने पर हम प्राप्त करते हैं V बराबर 221.665 घन मीटर। गुणनफल के मापे गए घटकों में से प्रत्येक में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इस प्रकार आयतन का गणना किया गया मान केवल 4 सार्थक अंकों में होना चाहिए। इस प्रकार V बराबर 221.7 घन मीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 फलकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। गणना करने पर हमें प्राप्त होता है S बराबर 219.76 वर्ग मीटर। प्रत्येक गुणनफल 4 सार्थक अंकों वाले घटक हैं। अंतिम परिणाम भी 4 सार्थक अंकों में होना चाहिए। इस प्रकार S बराबर 219.8 वर्ग मीटर। भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाया जाता है। सभी भौतिक राशियों को L, M और T विमाओं के पदों में लिखा जाता है। विमीय सूत्र एवं समीकरणें, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र एक वर्ग कोष्ठक के अंदर मूल मात्रकों की घातों सहित उनके पदों में एक व्यंजक है। आइए एक उदाहरण लें। वेग का विमीय सूत्र निम्न है। ये एक समीकरण है जिसे एक भौतिक राशि के विमीय सूत्र को इसके प्रतीक के बराबर रखते हुए प्राप्त किया जाता है। आइए एक उदाहरण लें। वेग का विमीय समीकरण V बराबर M की घात 0 LT की घात घटा 1 है। विमीय विश्लेषण, भौतिक राशियों के परिमाणों को एक दूसरे में जोड़ा या एक दूसरे से घटाया केवल तभी जा सकता है जब वे समान विमाओं में हों। विमीय विश्लेषण के उपयोग, किसी भौतिक राशि को मात्रक की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलना। दिए गए भौतिक संबंध के सही होने की जांच करना। दी गई भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। क्या आप जानते हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है। ऐसे 3 संगठनों में से एक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI की देखरेख हेतु गठित की गई है।
संगठन को सामान्यतः इसके फ्रांसीसी नाम BIPM से जाना जाता है। 1893 में शिकागो में धारा और प्रतिरोध के लिए जिन विद्युत मात्रकों को अपनाया गया उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर और अंतर्राष्ट्रीय ओम की परिभाषाओं की पुष्टि 1908 में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई। परिभाषित किए जाने के लिए तापमान पैमानों के प्रयोग करने का तरीका ऊष्मा गतिकी तापमान को व्यक्त करने के लिए ये सामान्य विधि है। प्रतीक टी संदर्भ तापमान टी शून्य बराबर 273.15 केल्विन हिमांक से इसके अंतर के पदों में ये तापांतर 1 सेल्सियस तापमान कहलाता है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भौतिकी भौतिक राशियों के मापन पर आधारित एक मात्रात्मक विज्ञान है। कुछ भौतिक राशियों को मूल या आधार राशियों के रूप में चुना गया है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI 7 मूल मात्रकों पर आधारित है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मात्रक प्रणाली है और व्यापक रूप से पूरी दुनिया में उपयोग में लाई जाती है। SI मात्रकों का सभी भौतिक मापनों में प्रयोग किया जाता है। इनसे आधार राशियां और व्युत्पन्न राशियां दोनों प्राप्त की जाती हैं। भौतिक मापनों को वैज्ञानिक संकेतन में छोटी या बड़ी राशियों में 10 की घातों के साथ व्यक्त किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि की गणना करने में संबंध में शामिल व्युत्पन्न राशियों के लिए मात्रकों को बीज गणितीय राशियों के रूप में माना जाता है जब तक कि अभीष्ट मात्रक प्राप्त नहीं हो जाते। भौतिक राशियों के मापन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है। परिणाम को व्यक्त करते समय मापन में त्रुटियों के साथ सटीकता और परिशुद्धता का ध्यान रखा जाता है। भौतिक राशियों आदि में संबंध स्थापित करके समीकरणों की विमीय एकरूपता की जांच करने के लिए विमीय विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है।